नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय नीति शतक का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अभी मूर्खों वाला प्रसंग चल रहा है, मूर्ख अज्ञानी। एक सुंदर श्लोक में भर्तृहरि क्या कहते हैं, यदा किंचिद अग्नोहम द्विप इव मदांधा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीत्य भवद वलिप्त मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगता। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब मुझे थोड़ा कुछ में पड़ गया ना, जो प्रतिनिविष्ट मूर्ख वाली बात आगे की थी उसी बात को यहां प्रस्तुत करते हैं कि जब मैं कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा था ना, तो मैं खुद को बड़ा समझदार बड़ा बुद्धिमान मानता था। तो मुझे यह लगता था कि मेरे जैसा बुद्धिमान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यदा किंचित अग्नो, जब मुझे थोड़ा कुछ जानकारी थी, द्वीप इव मदान था, तो मैं हाथी की जैसे, जैसे कोई हाथी चलता है ना, उसको किसी की नहीं पड़ी होती है। कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते रहते हैं। तो हम उस समय जब अपनी बात कहते थे तो हमें यह लगता था कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, बाकी जो भी जो कुछ बोलता है सब बेवकूफ है, सब मूर्ख है। लेकिन फिर ऐसा अवसर आया कि मैं विद्वानों के साथ बैठा उठा और विद्वानों के पास से जब मुझे कुछ बातें मालूम पड़ी, तो वास्तव में जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिला, तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे जैसा मूर्ख तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यही वास्तविकता है जीवन की। हम खुद को बड़ा बुद्धिमान और समझदार मानते हैं, लेकिन वास्तव में यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। जब हम कुछ ऐसे अच्छे लोगों के बीच जाएं, उनके बीच में रहें, उनके पास से कुछ सुने समझें, तभी हमें मालूम पड़ता है कि ओ हो वास्तव में दुनिया में इतना ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का इतना बड़ा समुद्र है कि उस समुद्र में मेरा ज्ञान तो एक समुद्र की बिंदु के बराबर भी नहीं, एक पानी के बिंदु समुद्र में, जैसे पानी के एक बिंदु की एक बूंद की कोई कीमत नहीं हो सकती है, ऐसे ही संसार में मेरे पास जो ज्ञान है उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं खुद को क्या विद्वान समझूं, ज्ञान तो इस दुनिया में इतना पड़ा हुआ है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए थे, इनमें प्राणियों का भी समावेश होता है। तो सीखना सारी जिंदगी चलता रहता है, हम कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, इस बात का अहम हमको कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। तो सुनते रहिए भर्तृहरि की ये सुंदर नीति परक बातें हम आपको सुना रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों तक इसको फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें फेसबुक पेज पे। धन्यवाद।